गाइज ये फेनल सीड है और इसे हम हिंदी में सौंफ बोलते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आज इससे हम आपको डिटॉक्स ड्रिंक बनाना सिखाएंगे, जो कि हमारे खाने को जल्दी ही डाइजेस्ट कर देती है और हम अगर अनहेल्दी और जंक फूड खा रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है और वेट लॉस में भी मदद करता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमको पहले सौंफ डालना है और उसके बाद हमको इसमें वाटर ऐड करना है। तो यहाँ में थोड़ा ज़्यादा है, अभी इसे बंद करके और हम अभी हम ऑन करने जा रहे हैं स्विच। स्विच ऑन करने के बाद आपको रेड लाइट दिखेगी, जैसे ही अपने आप बंद होती है मतलब आपका पानी एकदम अच्छी तरीके से गर्म हो गया। और अगर आपको ये चाहिए होगा तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप देख सकते हो इसकी बेनिफिट सब पानी में आ चुकी है। तो थोड़े ही टाइम में आपको मैं इसे स्ट्रेन कर ग्लास में दिखाऊंगी। Guys, it's time to serve. थोड़ा सा फर्नल सीड्स आ जाएंगे इसमें, सॉफ्ट आ जाएगी इसमें, तो डोंट माइंड, आप इसे ड्रिंक कर सकते हो और च्यू कर लेना उसको। Guys, cheers. Guys, सभी लोग डरते हैं कि कौन सा फेस वॉश यूज करें विंटर में, जेल फेस वॉश, ये बहुत सारी वैरायटी आ चुकी है मार्केट में। कोई कोई डरता भी हम अपनी स्किन को लेके कि हमारी स्किन खराब हो जाएगी। तो मैं आपके लिए ले आई हूँ एक नेचुरल सा फेस वॉश जो हम घर पर बनाएं, घर पर यूज करें और पैसे भी बच जाएं। तो चलो शुरू करते हैं। 1 बिग टेबल स्पून हम यहाँ पर बेसन डालेंगे। बेसन हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। पहले के टाइम पर बेसन ही यूज़ करते थे और ये क्लिंजिंग इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे फेस के डीप डर्ट को एकदम अच्छे से रिमूव करता है। 1 फुल टेबल स्पून लाल मसूर की दाल का पाउडर है। गाइज ये एक वाइटनिंग इंग्रेडिएंट है और ये भी एक अच्छा सा डीप क्लीन करता है हमारी फेस को और डार्क स्पॉट रिमूव करता है और एक अच्छा सा ग्लोइंग इफेक्ट देता है फेस पर, तो हम इसे भी डाल रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून मुलेठी पाउडर डाल रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में लिकरिश पाउडर बोलते हैं। ये भी एक वाइटनिंग पाउडर है, ऐसा बोल सकते हैं हम इसे, और एक वाइटनिंग इंग्रेडिएंट भी है जो कि हमारे फेस को इंस्टेंटली वाइट करता है, टैन रिमूव करता है और अच्छा ग्लोइंग इफेक्ट देता है। और सब नेचुरल है गाइज, ऑल स्किन टाइप्स है, तो आप लोग डरना नहीं, आप लोग एकदम अच्छे से यूज़ कर सकते हो। 4th इंग्रेडिएंट हम डाल रहे हैं सैंडलवुड पाउडर, जिसे हम सैंडलवुड पाउडर। गाइस बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करना, मेरा छोटू सा भाई है वो बीच में आके क्यूरियस हो गया था बहुत और पूछ रहा है क्या बना रही हो। तो ये सैंडलवुड पाउडर है और इससे भी हमारी स्किन ग्लोइंग होती है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है जितना भी मैंने अभी तक का डाला है। और ये लास्ट है मुल्तानी मिट्टी 1 टेबल स्पून। तो गाइज ये तो और अच्छा होता है, ये भी डीप क्लीन करता है हमारी फेस को और टैन रिमूव करता है हमारी फेस से। तो गाइज आपको इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है सब पाउडर को और इसे आपको एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है। मेरे पास ये एयरटाइट कंटेनर, तो मैं इसमें स्टोर करके रखने वाली हूँ, तो चलो स्टोर करते हैं। मेरा नाम है ईशा, मैं कल ही पिकनिक जाके आई हूँ, तो मेरा फेस बहुत टैन हो चुका था। मैंने अपनी बहन को बोला कि मेरे को एक डिटेन करने के लिए फेस वॉश बना के देने, तो मेरी बहन ने मुझे दिया था बनाने के लिए, मैंने किया था उसको, आज मेरा सेकंड टाइम है, तो चलिए कर लगाते हैं। अपना फेस वेट कर लिया है तो चलिए लगाते हैं। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, जैसे आप अपने फिंगर्स को पूरे स्किन पर ऐसे गोल गोल घुमाने से हमारा फेस का ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और हमारी टैन रिमूव होती है।
गाइज ये बहुत ही नेचुरल है, तो आप लोग यूज़ करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप लोग अपना रिजल्ट मुझे। तो आपको इंस्टेंट वाइटनिंग नहीं दिखेगी क्योंकि इसमें केमिकल नहीं है, ये नेचुरल है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।